हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम अपना कौन सा वाला सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से? एक रहेगा सिंगल लाइन वाला, ठीक है, और एक रहेगा डबल लाइन वाला। सिंगल लाइन बोलो या सिंगल रो बोलो, डबल लाइन बोलो या डबल रो बोलो, ठीक है, पंक्ति रहेगी। ठीक है, या तो एक पंक्ति का पूछा जाएगा या तो दो पंक्ति का पूछा जाएगा। ठीक है, या तो सिंगल रो पूछा जाएगा या तो डबल रो पूछा जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल रो। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम पढ़ेंगे डबल रो का तब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंगल रो की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिंगल रो की, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? इसमें आपको एक लाइन दे दी जाएगी ऐसे, ठीक है, एक लाइन दे दी जाएगी ऐसे, इसमें आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, इसमें आपको व्यक्ति बता दिया जाएगा कि इसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, इसमें 7 व्यक्ति बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 9 बैठे हैं, 10 बैठे हैं। ठीक है, और या फिर आपको जो थोड़ा हाई लेवल का रहता है उसमें पर्संस नहीं दिए हुए रहते हैं। ठीक है, पर्संस दिए हुए नहीं रहते हैं, हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट के हिसाब से जमाना पड़ता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन में कौन कौन सा टाइप पूछा जाता है ये तो पता चल गया हमें कि इस तरीके से ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब किस किस टाइप से आ सकता है? एक तो बोला जाएगा कि सभी व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हम सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल अभी तक हमने पढ़ा था, उसमें हमें क्या मिलता था? दो टर्म इनसाइड देख रहे हैं या तो फिर वो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, या तो वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं या तो केंद्र के बाहर की तरफ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें या तो कोई नॉर्थ देखेगा या तो कोई साउथ देखेगा। ठीक है, या तो कोई नॉर्थ देखेगा या तो कोई साउथ देखेगा। और एक बोला जाएगा कि कुछ व्यक्ति नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति साउथ देख रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को डायरेक्शन डिस्टेंस में बहुत अच्छे से बता दिया था डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लेना। ठीक है, ताकि आप लोग को डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब बात करूँ अगर मैं नॉर्थ की। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ नॉर्थ की, नॉर्थ कैसा रहता है? ऐसा। ठीक है, जब भी हम बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऐसे ही बनाते हैं हम। ये क्या रहा हमारा? नॉर्थ। ठीक है, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये हमारा कौन सा साइड हो जाएगा? ये वाला साइड हमारा आ जाता है राइट साइड। आप अपने आप को इस जगह पे रख के देखिए, अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो आपका फेस कैसे आ जाएगा? ऐसा रहेगा, ये वाला साइड राइट साइड और ये वाला साइड हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, और साउथ जब भी हम देखते हैं, साउथ मतलब ऐसा। ठीक है, तो हम अगर नीचे देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा हमारा राइट साइड। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर सभी व्यक्ति ईस्ट देख रहे हैं तो हमें ईस्ट को भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ मतलब सेम है समझ लो। ठीक है, और साउथ और वेस्ट मतलब सेम है। ठीक है, वैसे नॉर्थ और साउथ ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पर मैंने बता दिया अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? नॉर्थ मतलब, नॉर्थ मतलब किधर फेस है? ऐसा फेस है उसका। ठीक है, नॉर्थ मतलब ऐसा फेस है, और नॉर्थ मतलब ऐसा फेस है समझ लो, और ये क्या है इसका राइट साइड, ये क्या है इसका लेफ्ट साइड। तो जब भी एक पंक्ति दी हुई रहेगी, एक रो, एक लाइन दी हुई रहेगी, हमें बोलेगा कि सभी व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे साइड पे? ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे मान लो ए बैठा हुआ है, ए के सेकंड लेफ्ट पे बी है बोलेंगे तो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट पे बी। ठीक है, ए के थर्ड राइट पे सी है मतलब एक दो, और ये थर्ड राइट पे सी। ठीक, अब हम ऐसे अरेंज करेंगे, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। ठीक है, इसमें भी दो टर्म आएंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और क्या रहेगा इस पर? कॉर्नर वैसे ही रहेगा। मान लो बोलेगा कि सी क्या कॉर्नर पे नहीं बैठा, मतलब सी के बाजू में एक बंदा जरूर बैठेगा। ठीक है, बी कॉर्नर पे है मतलब बी की इधर कोई नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ साउथ की, तो साउथ मतलब ऐसा। ठीक है, आप देखिए ना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ मतलब ऐसा, साउथ मतलब नीचे। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, साउथ में ये वाला क्या हो जाता है हमारा लेफ्ट, ये वाला क्या हो जाता है हमारा राइट। ठीक है, तो जब भी ऐसा लाइन दिया रहेगा, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इस साइड राइट लिख लेंगे, इस साइड लेफ्ट लिख लेंगे। कब लिखेंगे, जब हमें पता हो कि डायरेक्शन कैसी है, साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हो सभी व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे, ये वाले को राइट ले लेंगे, ये वाले को लेफ्ट ले लेंगे। फिर अगर बोला मुझे ए के सेकंड लेफ्ट पे बी है, तो अब बी इस साइड पे नहीं आएगा, बी किधर आएगा, इस साइड पे आएगा, सेकंड लेफ्ट पे बी, और थर्ड राइट पे सी, मतलब सी इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि लीनियर में किस तरीके का पूछा जाता है। ठीक है, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ठीक है, और एक नॉर्थ और साउथ का मिक्सचर पूछा जाता है। ठीक है, और क्या, ये सिंगल रो में ये हो गया। अब डबल रो की हम बात कब करेंगे, जब हम डबल रो वाला सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं सिंगल रो वाला, और इसमें भी मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन वाला। ठीक है, आज हम नॉर्थ डायरेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम पढ़ेंगे साउथ। ठीक है, फिर ये दोनों जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर पढ़ लेंगे। ठीक, कुछ व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति साउथ की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम क्या करते हैं, अब अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन हिंदी पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने इंग्लिश की तरफ। ठीक है, बोल के मैं हिंदी पे समझाऊंगी, पर चलते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में ये रहा, क्या लिखा हुआ देखो। अब यहाँ पे इसने 9 नंबर्स दे दिए। ठीक है, आपको नंबर, पर्सन, कार, वार, कुछ भी, फ्रूट, रूट, कुछ भी जमाने को दे सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ले लिया। ठीक है, तो नंबर 9 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा है, आर अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, 9 नंबर हैं, 1 से लेकर 9 तक के। ठीक है, 1 to 9 नंबर्स दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, आर अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, ये क्या है, एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे एक पंक्ति बना लेंगे। ठीक है, ऐसे एक पंक्ति बना लिया, और क्या बोल रहा है, एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। वो सभी कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ। तो अब नॉर्थ में क्या हो जाता है मेरा, लेफ्ट टू राइट, और साउथ में राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, तो मैं क्या लिख लूँगी, इधर लेफ्ट लिख लूँगी, इधर राइट लिख लूँगी। ठीक है, लेफ्ट लिख लिया मैंने और राइट लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ जाना ना पड़े। ठीक है, हमें क्वेश्चन को देखना ना पड़े बार बार। ठीक है, हम यहीं से ही अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लें और उसे ही टिक करते जाएं कि हमने इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया और ये वाली बची है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें इस क्वेश्चन को क्या रहता है, कैच करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा चलो आगे इन्फॉर्मेशन को हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 4 is 6 लेफ्ट ऑफ 2। तो मैं लिख लूँगी, 4 कहाँ है, 6 लेफ्ट पे है 2 के। ठीक है, 4 क्या है, बाएं छठवें पे है 2 की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5 is neighbor of 8 and 3। अब 5 किसका पड़ोसी है, 8 और 3 का। तो हम लिख लेंगे, 5 क्या है, नेबर है 8 का और 3 का। अब कहीं पे 5 दिया रहेगा, हो सकता है 5 के इस तरफ 8 आ जाए, इस तरफ 3 आ जाए, हो सकता है कि 5 के इस तरफ 3 आ जाए, इस तरफ 8 आ जाए, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, और क्या बोल रहा है आगे की इन्फॉर्मेशन, 7 is 3rd right of 1। अब बोल रहा है कि 7 क्या है, दाएं तीसरे है किसके, 1 के। तो हमने लिख लिया, ठीक है, शॉर्ट में ऐसा हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, एंड 4th left of 2। अब देखो 7 है, 7 3rd right पे है 1 के। अब लिखा हुआ है एंड, तो एंड के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने आप लोग को बता रखा है पुराने वीडियोज़ में कि ये किसके लिए यूज़ होगा, 7 के लिए। ठीक है, तो हम जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो किसके लिए यूज़ करेंगे, 7 के लिए। तो मैंने लिख लिया 7 के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 4th left है 2 के। तो हमने लिख लिया 4th left है 2 के। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द नंबर विच इज 3rd left of 6। अब क्या बोल रहा है, इसमें कोई नंबर है हमें नहीं पता, कोई भी XYZ नंबर होगा हमें नहीं पता। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई नंबर है। ठीक है, हमने लिख लिया n नंबर है। ठीक है, विच इज़ 3rd left of 6, जो क्या है, 6 के बाएं तीसरे पे है। ठीक है, जो 6 के बाएं तीसरे पे है वो क्या है, नंबर कॉर्नर पे बैठा है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे नोट कर लूँगी, क्या लिखा है, द नंबर, मतलब नंबर जो है, जो क्या है, 3rd left है 6 की। ठीक है, ये नंबर क्या है, कॉर्नर पे है। ठीक है, ये नंबर क्या है, कॉर्नर पे। इसके बोलने का मतलब क्या है, द नंबर विच इज़, मतलब वो जो नंबर, वो जो संख्या है वो क्या है, 3rd left of 6 की है जो। ठीक है, जो 6 के बाएं तीसरे पे बैठे है, इज़ सिटिंग एट कॉर्नर। जो नंबर 6 के बाएं तीसरे पे बैठा है वो क्या है, कॉर्नर पे है। ठीक है, ये या तो इस कॉर्नर पे होगा या तो इस कॉर्नर पे होगा। ठीक है, हमें नहीं पता। अब हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या लूँ मैं, सबसे पहले क्या लूँगी, देखो हमें कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा लेटर ढूंढना रहता है जिससे कि क्या रहे,
हमें जुड़ती हुई कड़ी मिलते जाए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, फोर और टू दिया है सबसे पहले, तो फोर और टू से कुछ इन्फॉर्मेशन आगे दी है क्या जिसका मैं यूज़ कर सकती हूँ? बिल्कुल दिया है। टू फोर, देखो टू और फोर दिया है, फिर टू से सेवन, फिर सेवन से वन, ऐसे दिया तो मतलब मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, अगर टू और फोर, देखो टू के सिक्स लेफ्ट पे फोर दिया रहा था, उसके बाद टू और फोर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मैं इसे यूज़ करती क्या? बिल्कुल भी नहीं करती। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये टू लिख लिया हमने, टू के क्या बोल रहा है, सिक्स लेफ्ट पे, मतलब लेफ्ट साइड ये वाला आएगा, तो हम छठवें लेफ्ट पे किसे ले लेते हैं, फोर को, ये दो। ठीक है, एक के बाद ये टू के सिक्स लेफ्ट पे लेना, तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। ठीक है, छठवें लेफ्ट पे कौन है, फोर है। अब ले लेंगे हम फोर को, एक दो तीन चार पाँच छः, फोर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, टू के फोर्थ लेफ्ट पे सेवन है, मतलब एक दो तीन चार, ठीक है, फोर्थ लेफ्ट पे कौन आ गया, सेवन, मतलब दो भी अरेंज हो गया हमारा, सेवन भी अरेंज हो गया हमारा, फोर भी अरेंज हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये हो गया वन के थर्ड राइट पे सेवन है। अब राइट किधर आ जाएगा, सेवन है तो वन के थर्ड राइट पे लेना, तो वन इस तरफ लूँगी जब, तो ये इसका राइट साइड आ जाएगा वन का। अगर मैं वन को इधर ले लूँ तो वन के इधर ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर चाहिए, तो मुझे वन के राइट साइड पे, तो वन किस तरफ आ जाएगा, सेवन के इसी साइड पे वन आएगा। ठीक है, तो हम कहा वन के थर्ड राइट पे बोल रहा है, तो ये वन इधर ले लेंगे। ठीक है, वन का ये पहला राइट, ये वाला दूसरा राइट, ये वाला तीसरे राइट पे कौन आ गया, सेवन आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। और कितने व्यक्ति अरेंज हो चुके हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ सीट हमारी अरेंज हो चुकी है, जिसमें चार व्यक्ति अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, चार नंबर्स अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, चार नंबर दिए हुए हैं, अरेंज हो चुके हैं, और आठ सीट हो चुकी है, एक सीट और बची है हमारी। ठीक है, नौ नंबर से ना, क्योंकि ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, पांच नेबर है आठ और तीन का, देखो अब इतना तो अरेंज हो चुका है। ठीक है, इसे एक बार मैं हटा लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अब पांच नेबर है आठ और तीन का, पांच नेबर है आठ और तीन का। ठीक है, अब कहाँ आएगा, देखो पांच नेबर है आठ और तीन का, मतलब एक दो और ये तीन, तीन सीट मुझे एक साथ चाहिए। ठीक है, तीन सीट क्या चाहिए मुझे, एक साथ तीन सीट चाहिए। ठीक है, ये सात वाला किसका है, इसका है। ठीक है, तीन सीट एक साथ साथ चाहिए, और आठ सीट हो चुकी है, नौवा अगर मैं इधर ले लूँ, ठीक है, तो भी तीन सीट एक साथ सिर्फ यहीं पे ही आएगी। ठीक है, नौ अगर मैं इधर ले लूँ फिर भी तीन सीट इधर पे आएगी, मतलब पाँच आठ तीन तो यहीं पे ही आना है, बाकी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसका अभी मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या, नवी सीट कहाँ पे आएगी, नहीं बोल सकती। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम पाँच, और यहाँ पे आठ और तीन में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी, ये वाले पे भी आठ और तीन में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे आठ और तीन है, ठीक, यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे आठ और तीन है, यहाँ पे दो है। ठीक है, अभी मेरे पास एक सीट ये वाली खाली है, और एक सीट मुझे नहीं पता किस तरफ आई है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, अरेंज हो गया। ठीक है, ये वाला भी यूज़ हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन। अब क्या बोल रहा है, देखो अब बोल रहा है सिक्स के जो थर्ड लेफ्ट पे है वो क्या है, कॉर्नर पे है। अगर मैं ले लूँ सिक्स को यहाँ पे, सिक्स के थर्ड लेफ्ट वाला इस साइड पे आएगा तो कॉर्नर पे आएगा क्या, नहीं। और यहाँ पे तो कोई ऑलरेडी बैठा है तो यहाँ पे आएगा क्या, छः, नहीं। ठीक, नवी सीट को अगर मैंने यहाँ अरेंज कर लिया तो भी नहीं। अब अगर मैं नवी सीट को यहाँ पे अरेंज कर लूँ तो ये लेफ्ट साइड है तो सिक्स के थर्ड लेफ्ट पे आएगा क्या, कोई नहीं। ठीक है, तो सिक्स कहाँ पे आ जाएगा, सिक्स के लिए ये वाली प्लेस बची है मेरी छः के लिए। ठीक है, तो छः को अगर मैं यहाँ पे अरेंज कर लूँ तो छः के थर्ड लेफ्ट पे, देखो अब ये भी सीट नहीं हुई थी तो मैंने इसे भी हटा दिया। अब छः के थर्ड लेफ्ट पे यहाँ पे टोटल आठ व्यक्ति मेरे बैठ रखे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति की जगह खाली है तो छः के ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट, मतलब डेफिनेटली एक बंदा इस साइड पे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि जो थर्ड के इस सिक्स के जो थर्ड लेफ्ट पे है वो क्या है, कॉर्नर पे है। ठीक है, मतलब डेफिनेटली ये वाली सीट बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन अरेंज हो जाएगा, एक हो चुका है, दो हो चुका है, तीन, तीन और आठ फ्लक्चुअल चल रहे हैं। ठीक है,
एक हो चुका है, दो हो चुका है, तीन और चार हो चुके हैं, पाँच छः हो चुके हैं, सात आठ हो चुके हैं, नौ बचा है, तो नौ आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मेरी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब मुझे आठ और तीन से और कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या, जिससे मुझे पता चले कि आठ यहाँ पर ही आएगा और तीन और कहीं पे ही आएगा, ठीक है। नहीं दी हुई है ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये क्या रहेगा, ऐसे ही अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि दो किसका नेबर है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो आठ का या तो तीन का, ठीक है, या तो आपको दिया रहेगा सी एंड डी, हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। तो आठ और तीन फ्लक्चुअल चल रहे हैं, बाकी सब क्या हो गए हमारे, अरेंज हो गए हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में, ये वाला आप लोगों ने सीख लिया कि अरेंजमेंट जब लीनियर अरेंजमेंट आएगी तो सिंगल रो में नॉर्थ डायरेक्शन पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसी का एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, इसी के एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब लेके चलते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा आपका हिंदी पे, ठीक है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन पे ही है, ठीक है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन पे ही है, हम इसे भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये रहा हिंदी पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इंग्लिश की तरफ, ये रहा इंग्लिश पे। देखो अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट फ्रेंड्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। अब क्या है, ये भी क्या है, एक सिंगल रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड दे ऑल आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एल इज़ नॉट द नेबर ऑफ एस। अब मैं क्या करूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन को लिखते हुए चलती हूँ, ठीक है। एल क्या है, नेबर नहीं है किसका, एस का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हु सीट्स, अब एल है, एस है, उसके बाद हु है, तो ये हु के आगे जो इन्फॉर्मेशन किसके लिए यूज़ होगी, एस के लिए, ठीक है, ये भी हम सीख रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एस क्या हो गया, हु सीट्स सेकेंड टू द आर, ठीक है, एस क्या है, सेकेंड पे, आर के हमें नहीं पता आर के राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्या बोल रहा है, आर एंड पी आर नेबर्स। अब मुझे पता चल गया आर और पी क्या है, नेबर है, मैंने लिख लिया आर पी नेबर है, ठीक है, नॉट द नेबर ऑफ एल। अब देखो आर है पी है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है कॉमा करके, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए यूज़ हो जाएगी, आर के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नॉट द नेबर ऑफ एल, मतलब आर क्या है, नेबर नहीं है किसका, एल का, तो आर आ जाएगा नेबर नहीं, मतलब हमने क्रॉस कर दिया किसका, एल का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ओ सीट सेकेंड टू दी एम, तो हमने लिख लिया ओ क्या है, सेकेंड है एम के, लेफ्ट है राइट है अभी कुछ दिया है क्या, नहीं, अब ओ दिया है, एम दिया है, उसके बाद हु दिया है, तो हु किसके लिए यूज़ हो जाएगा, एम के लिए। एम इज़ नॉट द नेबर ऑफ क्यू, एम पड़ोसी नहीं है किसका, क्यू का, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, एल इज़ फोर्थ लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है, हम लिख लेंगे एल क्या है, बाएँ चौथे है ओ के, ठीक है। और क्या बोल रहा है, नॉट सिटिंग एट कॉर्नर, मतलब एल के लिए यूज़ हो रहा है, ये एल है, ये ओ है, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कॉमा करके, तो ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए यूज़ होगी, एल के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है अब, नॉट सिटिंग एट कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे कौन नहीं है, एल, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि एल क्या है, कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है, एल क्या है, कॉर्नर पे नहीं है, और एल क्या है, फोर्थ लेफ्ट पे है ओ के, ठीक है। ये इस इन्फॉर्मेशन को क्या किया हमने, नोट कर लिया, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, नोट कर लिया। अब देखते हैं, चलो अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं अपना क्वेश्चन को अरेंज करना, ठीक है। सबसे पहले अब मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करूँगी, एस नेबर नहीं है एल का, इससे बनेगा क्या, नहीं, ठीक है, इससे बनेगा क्या, नहीं। अब बोल रहा है आर के सेकंड पे एस है, तो अब मैं आर को अगर यहाँ पे ले लूँ कहीं पे भी, तो सेकंड पे इस तरफ एस आएगा कि इस तरफ, पता है क्या, नहीं, मतलब इससे स्टार्ट कर सकती हूँ क्या, नहीं। अब मैं ऐसा देखूँगी जिससे मुझे लेफ्ट राइट पता हो और उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो आर पी नेबर है, इससे भी नहीं बनेगा, आर नेबर नहीं है एल का, इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो ओ के फोर्थ लेफ्ट पे एल है, इससे मैं अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं लिख लूँगी यहाँ पे ओ, ठीक है, यहाँ पे लिख लूँगी मैं ओ, ओ की अब क्या करना है मुझे, फोर्थ लेफ्ट पे एल लेना है, मतलब एक दो तीन चार, फोर्थ लेफ्ट पे कौन आ गया, एल आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है एम के सेकंड पे ओ है, ठीक है, मतलब एक बार एम को हम इधर ले लेंगे, एम की इस तरफ सेकंड पे ओ आ गया, एक बार एम की इस तरफ सेकंड पे ओ आ जाएगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लूँगी मैं, ओ ले लेती हूँ, ओ के एक दो तीन चार, फोर्थ लेफ्ट पे एम आ गया,
एल आ गया, सॉरी फोर्थ लेफ्ट पे कौन आ गया, एल आ गया। अब एम को कहाँ ले लेंगे हम, एम को एक बार यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। एक बार हमको हमने यहाँ पे ले लिया, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, हमने क्या किया दोनों को हटा दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि एल क्या है यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं, मतलब एक बंदा इधर तो आएगा ही आएगा, एक बंदा इधर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, यूज़ हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है एम नेबर नहीं है क्यू का, तो इससे अभी मैं कुछ बना सकती हूँ क्या, नहीं बना सकती, ठीक है। देखो हमने तीन इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया, अब चौथी इन्फॉर्मेशन का मैं यूज़ कहाँ से करूँगी, ठीक है। अब मुझे पता है देखो एल एम और ओ से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन, एल नेबर नहीं है इसका, इससे भी कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। एल नेबर नहीं आर का, इससे भी नहीं बन पाएगा। एम नेबर नहीं है क्यों का, इससे भी नहीं बन पाएगा। अभी तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा, पर एक चीज़ मुझे दिख रही है, अगर लेफ्ट राइट नहीं दिखा तो मुझे क्या दिखा, आर के सेकंड पे एस है, ठीक है। अब आर की इस तरफ पे आएगा सेकंड पे एस, की इस तरफ पे अभी नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि आर नेबर है पी का, मतलब आर और पी के लिए मुझे दो जगह चाहिए, ठीक है। आर और पी के लिए मुझे दो जगह चाहिए। अगर मैं नीचे वाले डायग्राम पे आऊँ, इस वाले डायग्राम पे, तो मैं क्या देख सकती हूँ, देखो मुझे चाहिए आठ व्यक्ति, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ व्यक्ति हो चुके हैं, मतलब आर और पी एक साथ आएंगे, ठीक है। या तो आर पी यहाँ पर आ जाएंगे, या तो आर पी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आर पी यहीं पर ही आएंगे, पर इतना पता है मुझे, ठीक है। तो अब मैं दो बार दो जगह लेके देखती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एक इन दोनों की अगर बात करूँ तो एक बार आर को यहाँ ले लूँगी, पी को यहाँ ले लूँगी, एक बार पी को यहाँ, आर को यहाँ, ठीक है। अगर आर इस तरफ आया तो ये फर्स्ट लेफ्ट, उसके बाद सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड पे कौन आ गया, ओ आ गया। एक बार इधर लूँगी, उसके सेकंड पे कौन आ जाएगा, एल। तो एस आएगा क्या सेकंड पे, नहीं, तो मतलब ये वाला अरेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाले को लेके देखती हूँ, या तो एस आ जाएगा यहाँ पे, या तो एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कुछ दिया है क्या मुझे, बोल रहा है एल नेबर नहीं है एस का, ये वाली इन्फॉर्मेशन पे दी हुई, एल नेबर नहीं है एस का, मतलब एस यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा। हम इसे भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एस कहाँ पे फिक्स हो गया, एस हो गया यहाँ पे फिक्स, ठीक है। आर और पी नेबर है, आर के सेकंड पे एस है, और एल नेबर नहीं है एस का, ठीक है। आर भी नेबर नहीं है एल का, बोल दिया अब इसने, ठीक है। आर नेबर नहीं है एल का, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर नेबर नहीं है एल का, मतलब ये भी गलत हो गया। अब मैं क्या देखूंगी, देखो आर पी यहाँ पे आ रहे हैं क्या, नहीं। अब दो जगह बची यहाँ पे, अब मैं वहाँ पे अरेंज करती हूँ, ठीक है। अब मैं वहाँ पे अरेंज करती हूँ, क्या बोल रहा है, देखो आर यहाँ पे ले लूँ तो सेकंड ने यहाँ पे आना, एस ना यहाँ पे आना, तो आर यहाँ पे नहीं आएगा। तो आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, आर यहाँ पे आया तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आर के सेकंड पे एस, ठीक है। एस यहाँ पे ले लूँगी तो एल क्या आ जाएगा, नेबर आ जाएगा, जबकि चाहिए नहीं मुझे, एस नेबर नहीं है एल का, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, एस कहाँ पे आ गया, वहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है एम नेबर नहीं है क्यों का, ये चारों इन्फॉर्मेशन तो नीचे वाले डायग्राम में यूज़ हो गई है ना, आर पी नेबर है, आर नेबर नहीं है एल का, आर के सेकंड पे एस है, एल नेबर नहीं है एस का। अब एम नेबर नहीं है क्यू का, मतलब क्यू या तो यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू या तो यहाँ पे भी, और कौन बचा है क्यू के साथ, एन, तो एन यहाँ पे भी, एन यहाँ पे भी, ठीक। एक तो ये डायग्राम हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऊपर वाले डायग्राम को छोड़ देंगे, बहुत बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, ठीक है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी अरेंज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी अरेंज करेंगे। हो सकता है कि इसमें दो पर्सन क्या है, क्यों और एन क्या है, फ्लक्चुअल चल रहे हैं, पर ऊपर वाले में फ्लक्चुअल ना चले और वो पूरा अरेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसे भी जमाएंगे। अब जब ये फ्लक्चुअल चलेगा नीचे वाला और ऊपर वाले में अगर कोई अरेंज हो गया, तो हम किसे मानेंगे, डेफिनेटली अरेंज वाले को मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे ऊपर वाले को करना हम स्टार्ट करते हैं। एल एम ओ दिया है, देखो अब क्या बोल रहे हैं, आर नेबर है पी का, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, कितने बंदे दिए, छह बंदे की सीट दी हुई है हमें, तो यहाँ पे आर और पी के लिए जगह खाली है, नहीं तो मैं क्या करूँगी, एक बार यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। एल के बाद मैं यहाँ पे दो सीट अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। एल के बाद दो सीट जब मैंने अरेंज कर ली, देखो तो अब आर पी क्या आ जाएगा, आर पी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। अरेंज कितना है मेरा, यहाँ तक की सीट मेरी अरेंज है, ठीक है, ये अरेंज है, और ये दो को मैंने एक्स्ट्रा बना लिया, ठीक है। तो आर पी आ गया तो आर के सेकंड पे एस नहीं आना, आर के इधर सेकंड पे एस नहीं आना, मतलब आर पी यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। एक बार मैंने आर पी यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे एस आएगा क्या, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आर ले लूँ, यहाँ पे पी ले लूँ, तो आर नेबर है एल का आएगा क्या, नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अभी तक मैंने क्या किया, आर यहाँ पे ले लिया,
पी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आर यहाँ पे ले लिया, पी यहाँ पे ले लिया, तो आर के सेकंड पे एस, ठीक है, आर के सेकंड पे एस आ गया। अब क्या बोल रहा है, एस क्या नेबर नहीं है एल का, मतलब यहाँ पे भी अरेंज नहीं होना, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से ये क्या हो रहा है, अरेंज नहीं हो रहा है, तो ये आएगा क्या, नहीं, ठीक है, इस तरफ आएगा क्या, नहीं। अब मैं क्या करके देखती हूँ, ये मेरा अरेंज था, इसे मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ये इतना मेरा अरेंज था। अब मैं क्या करती हूँ, देखो छः व्यक्ति यहाँ पे हो गए, अब मैं दो व्यक्ति यहाँ पे लेके देख लेती हूँ, ठीक है, दो व्यक्ति क्या करती हूँ, यहाँ पे लेके देख लेती हूँ। अब मैं लेंगी आर और पी, ठीक है, आर यहाँ पे ले लूँ, पी यहाँ पे ले लूँ, तो आर के सेकंड पे एस आना है क्या, नहीं। अब मैं क्या करूँगी, ये ओ था, ठीक है, ये ओ लिख लिया, अब आर को यहाँ ले लूँगी, पी को यहाँ ले लूँगी, आर के सेकंड पे एस आ गया। अब देखती हूँ कि ये क्या सही है, एल नेबर नहीं है इसका, बिल्कुल नेबर नहीं है इसका, आर के सेकंड पे एस है, आर के सेकंड पे एस है बिल्कुल, आर पी नेबर है, आर पी नेबर है, आर नेबर नहीं है एल का, आर नेबर नहीं है एल का, क्योंकि आर तो नेबर है ओ और पी का, इतना इन्फॉर्मेशन हमारा यूज़ हो चुका है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन का अब हमें काम नहीं है। अब क्या देखेंगे, देखो अब क्या देखेंगे हम, एम नेबर नहीं है क्यू का, मतलब क्यू यहाँ पर नहीं आना, तो क्यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो बचा कौन, एन, एन क्या हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो हमारा पहला वाला डायग्राम था, इसमें सारे पर्सन क्या हो गए, अरेंज हो गए, सारे बंदे को हमने क्या किया, बैठा दिया, ठीक है, और नीचे वाले में क्यू और एन फ्लक्चुअल चल रहा है, तो अब मैं किस डायग्राम को मानूं, अब मैं मानूंगी ये वाले डायग्राम को, ठीक, क्योंकि इसमें सभी बंदे व्यवस्थित हैं और इसमें क्या चल रहे हैं, फ्लक्चुअल चल रहे हैं। अगर ये मेरा अरेंज नहीं होता है ऐसे भी, तो मैं क्या करती, इसे ही मानती, ठीक है, मैं क्या करती, इसे ही नीचे वाले को ही मानती, ठीक है। अब जब भी ऐसा हो कि दो फ्लक्चुअल चले और एक में अरेंज हो जाए, तो हम किसे मानेंगे, जो अरेंज हो चुका है, ठीक है, हम किसे मानेंगे, जो क्या है, हमारा अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये समझ में आए, ये थोड़ा था नॉर्थ वाले में हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल का था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग को थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है, ये हाई लेवल का था। इसमें हम लोगों ने देखा कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, ठीक है, पहले तो हमने देखा कि दो डायग्राम बन रहे थे, ठीक है, दो डायग्राम में भी ऊपर वाले डायग्राम में कितनी सारी पॉसिबिलिटी बनी थी, ठीक है, इस तरफ एक एल था, उसके बाद हमें ये इधर दो बंदे लेके देखा, इधर ओ के बाद दो बंदे देके लिखा, ठीक है, ये क्या करते हैं हम देखे थे, और नीचे वाले में भी अरेंज हो चुके थे, पर क्यू और एन क्या आ रहे थे, फ्लक्चुअल आ रहे थे। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा बिल्कुल लो लेवल का, और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, थोड़ा हाई लेवल का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अब नॉर्थ डायरेक्शन वाला जब भी एग्जाम में आएगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम कल क्या डिस्कस करेंगे, अब हम कल जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा सिंगल रो का ही साउथ डायरेक्शन, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज सेशन को हम यहीं पर एंड अप करते हैं, कल मुलाकात होगी फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।